आपको जला ली हूँ पतीले को। पतीले, चलो शुरू। तो आपको मैं जला ली हूँ। नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, तो मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और जो मेरे चैनल पे सबसे पहले नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए मैं चलती हूँ अपने चूल्हे के पास जहाँ पर बनाऊँगी रेसिपी। दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने चूल्हे के पास, यहीं पर आप लोगों को रेसिपी बना के दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आग को जला लेती हूँ। तो दोस्तों मैं आग को जला ली हूँ, और ये मैं पतीला ली हूँ, इसको रख देती हूँ चूल्हे पे। तो यही में मैं आप लोगों को आम का खीर बना के दिखाऊंगी। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं चावल, मैं ये चावल आधा घंटा पहले भिगोई थी और इससे धुल के अच्छे से साफ कर ली हूँ। और ये आप देख सकते हैं टूट भी रहा है, तो मैं इसी का रेसिपी आप लोगों को बना के दिखाऊंगी। तो दोस्तों मैं इसे पीस ही नहीं हूँ, आप लोग दर दरा थोड़ा पीस भी सकते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी, इससे मेरा खिला खिला खीर बन के तैयार होगा। तो दोस्तों पतीला मेरा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें देसी घी डाल देती हूँ। तो घी मेरा गर्म हो गया है, तो जो चावल मैं धुली हूँ इसमें डाल के भूनूंगी। अब मैं इसे 5 मिनट तक भूनूंगी इसी तरीके से। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मेरा खीर ज्यादा सूखा ना बने, खीर गीला ही अच्छा लगता है। तो उधर मेरा खीर उबल रहा है, इधर मैं ड्राई फ्रूट को काट लेती हूँ। तो मैं इस तरीके से काजू को काट लूंगी, इससे खीर में देखने में बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैं इससे काजू को 2 भागों में कर ले रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग आम का खीर एक बार जरूर घर पे बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैं बादाम को भी काट लेती हूँ। तो हम बादाम को इस तरीके से काटेंगे, इसे देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं बादाम को काट ली हूँ, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप देख सकते हैं खीर में मेरे उबाल आ गया है, तो मैं अभी इसे चला देती हूँ, नहीं तो नीचे पकड़ लेगा। तो दोस्तों ज्यादा हमें इसे चलाना नहीं है, 1-2 बार ही चलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। तो 2 छोटी कटोरी मैं इसमें चीनी ऐड की हूँ, तो हल्के हाथ से मैं इसे चला दूंगी। तो खीर में डालने के लिए मैं इधर इलायची पाउडर तैयार कर लेती हूँ। मैं इसमें इलायची पाउडर तैयार कर ली हूँ, अब मैं खीर में डाल लेती हूँ। तो दोस्तों इलायची पाउडर डालने से काफ़ी अच्छा खुशबू हो जाता है, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। तो इधर मैं आम का छिलका उतार लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से सारे आम का छिलका उतार लूंगी। तो सारे आम का छिलका मैं उतार ली हूँ, अब मैं इसे काट लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसे काटूंगी। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ड्राई फ्रूट जो मैं काटी हूँ। अब मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ ड्राई फ्रूट्स को।
तो हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इधर आप देख सकते हैं जो मैं आम को काटी थी, पके आम को, उसका पेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सर में तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसे खीर में ऐड कर देती हूँ। तो जब खीर पक जाए तभी हमें आम का पेस्ट जो तैयार की हूँ वही ऐड करना है। तो मैं अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दूंगी हल्के हाथ से। तो आप देख सकते हैं जो आम का पेस्ट मैं तैयार की थी अच्छी तरीके से खीर में मिक्स कर दी हूँ। तो दोस्तों आम का खीर मेरा बनके तैयार हो चुका है। मैं पतीले को नीचे उतार देती हूँ। तो खीर मेरा बनके तैयार हो चुका है आम का खीर। तो मैं इसे कटोरी में सर्व कर देती हूँ। तो हमने सर्व कर लिया है। अब ड्राई फ्रूट से मैं इसे गार्निश कर देती हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स को मैं गार्निश कर दी हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आम को काट ली हूँ। तो मैं इससे भी गार्निश कर देती हूँ। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको आम का खीर बनाना बताई हूँ इस तरीके से आप लोग एक बार ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा। आम के सीज़न में बहुत ही अच्छा होता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप लोग एक बार घर पर ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो दोस्तों आम का खीर हमने बना के तैयार कर दिया है और बहुत ही अच्छा लगता है आम के सीज़न में आम का खीर। तो आप लोग इस तरीके से घर पे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा आम का खीर। तो मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।